भाईसा, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शोभा भाईसा फैमिली में। तो जो लोग इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते उनके मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए, मतलब कमेंट आए थे कि भाईसा हम इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हैं, तो आपके पास बैंगल्स का कलेक्शन है वो हमें आप यूट्यूब पे दिखाइए। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अभी शॉप में फ्री थी, कस्टमर नहीं थे, तो मैंने कहा एक वीडियो बना देती हूँ आप सबके लिए। तो आज मैं आप सबके लिए बहुत ही अमेजिंग सा बैंगल्स का कलेक्शन लेकर आई हूँ, जो कि आपकी हर पोशाक के साथ परफेक्ट जाएगा, वेडिंग सीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो ये बैंगल्स देख सकते हैं आप, मैंने कोई पर्टिकुलर कलर नहीं लिया इनमें, क्योंकि कलर्स की तो मोस्टली सबके पास मिली जाती है। तो ऐसे बैंगल्स लिए जो कि सभी पोशाकों के साथ परफेक्ट जाएगी, या फिर आप लाइट वेट कोई सूट पहनते हो तो उनके ऊपर आप सिंगल कड़ा पहन सकते हो। तो मैं अब आपको एक एक करके मतलब दिखाऊंगी डिजाइन एंड बना के भी दिखाऊंगी सेट की किस तरह से आप इनके सेट बना के पहन सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो चूड़ी आपको मैं दिखाने जा रही हूँ वो अभी आई है मेरे पास, मतलब जस्ट आया ही था ये पार्सल। तो मैंने सोचा कि चलो मैं क्यों ना आप लोगों को दिखा दूँ। प्राइस वगैरह साइड में ब्रैकेट में आपको दिख जाएगी, तो वहाँ से देख लेना, मतलब कमेंट मत करना कि प्राइस प्राइस प्राइस, आप वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए, सब मतलब डिटेल्स में मेंशन करती हूँ, तो प्राइस कहीं साइड में ब्रैकेट में ऊपर नीचे या फिर कहीं भी दिख जाएगी। मुझे पता नहीं है कि मैं एडिटिंग करूँगी उस टाइम मुझे पता चलेगा। तो सबसे पहले ये है बंगड़ी, ये चार बंगड़ी है, मतलब चार बंगड़ी आएगी, बहुत सुंदर है, नगमे है, ग्रीन कलर का इसमें मतलब वो साइड में कलर किया हुआ है, तो बहुत सुंदर है। अच्छे से देख लेना, फिर आप मुझे बोलोगे आपने जल्दी जल्दी वीडियो बनाया, आप दिखाते नहीं हो, तो मैं इसलिए आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। तो ये वाली बंगड़ी आप ले सकते हैं, इनको किस तरह से सेट कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए कि फ्लावर में मेरे पास कुंदन में कड़ा है, तो इसके साथ आप इसको सेट कर सकती हैं, या फिर कोई सी भी बैंगल्स ले लो आप, उनके साथ सभी के साथ आप सेट बना के पहन सकती हैं। तो ये देखिए ये बंगड़ी आप इस तरह से सेट करके पहन सकती है, मतलब इनमें आप जैसे बीच में ना कोई से भी कलर की लगा लो, जो वेलवेट वाली चूड़ियाँ आती है ना वो, चाहे रेड रानी जो भी आपको ड्रेस पहन रहे हो ना उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बीच में चूड़ियाँ लगा लो, उसके बाद आप इतना सेट बना के पहनो, बहुत सुंदर लगता है। अभी मैंने रिसेंटली जो ब्लॉग डाला था पिंक पोशाक वाला, उसमें मैंने इसी टाइप की कुछ चूड़ियाँ वेयर की थी, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी आगे। तो एक ये सेट है मेरे पास, बहुत सुंदर लगता है पहना हुआ, बहुत ही अच्छा लगता है, कुंदन में है तो सभी ड्रेसेस के साथ परफेक्टली जाएगा। तो आप इस तरह की चूड़ियाँ देख सकती हैं। और नेक्स्ट मैं आपको पूरा सेट बना हुआ ही दिखा देती हूँ। ये एक कड़ा है, मतलब बंगड़ी स्टाइल ही है ये, तो ये सबसे पीछे लगाने में काम आता है। तो ये एक कड़ा है जो कि रेड और ग्रीन कलर में है, बहुत सुंदर लगता है। और इसी के साथ ये वाली चूड़ियाँ मेरे पास, आप इनको सिंगल सिंगल भी ले सकते हो, जैसे दो ही आएंगी वैसे भी ले सकते हो, अगर आपको पूरा सेट बना हुआ चाहिए तो वो भी आप ऑर्डर कर सकते हो, पूरा सेट भी ले सकते हो। ये देखिए इस तरह से चूड़ी आएगी, आप इनको इस तरह से पहन सकते हो, इनमें आप कोई से भी अपनी चॉइस की चूड़ियाँ लगा सकते हो। तो मैं आपको इनमें दो तीन चूड़ियाँ लगा के दिखाती हूँ। ये वाले कुंदन में मेरे पास चूड़ियाँ हैं, तो मैं आपको इसमें ये वाली लगा के दिखाती हूँ कि आप किस तरह से सेट बना सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, आप इनको ऐसे भी पहन सकते हो, अगर आपकी इच्छा है तो आप इनको ऐसे भी पहन सकते हो, मतलब कैसे डेकोरेशन कर सकते हो आप अपने हिसाब से। तो ये इस तरह से बना सकते हो, या फिर मेरे पास ऐसे मोती में चूड़ियाँ हैं, ये मोती में, ये मैंने अभी पहनी थी जो रानी वाली पोशाक पहनी थी ना उसके साथ पहनी थी, तो इसमें आप इस तरह से इसे पहन सकते हो। अच्छे से दिखा देना, फिर कमेंट आएंगे आपने अच्छे से नहीं दिखाया भाई साहब, जल्दी जल्दी दिखा रहे थे। ठीक है, तो ये वाला जो है ये चार चूड़ियों का सेट आएगा, प्राइस आपको साइड में दिख रही होगी, चार चूड़ियाँ आएगी इसके साथ, बाकी अभी उल्टी उल्टी पड़ी है तो पता नहीं है। एंड नेक्स्ट है ये कुंदन वाली चूड़ी, ये आप चार ले सकते हो, छह ले सकते हो, दो ले सकते हो, आपकी इच्छा है आप कितनी भी ले सकते हो। तो ये एक चूड़ी है कुंदन में है, दो का प्राइस साइड में लगा, दो का प्राइस साइड में लगा दूंगी, चार का भी लगा दूंगी वो मैं लिख के लगा दूंगी, मतलब दो ये 500 की है और चार लोगे तो 1000 की। और इसी के साथ ये एक कड़ा है, बहुत ही सुंदर है, रानी पोशाक जो मैंने वियर की थी उसके साथ मैंने यही वाला कड़ा पहना था, बहुत सुंदर है, कुंदन का कड़ा है ये, साइड में इसमें मोती लगे हुए हैं, बहुत ही प्यारा लगता है, आप इस तरह से पहन सकते हो। ये देखिए आप इस तरह से भी पहन सकते हो, इतना भी पहनोगे ना तो भी पोशाक के ऊपर इनफ है, इसमें कोई चूड़ियाँ ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ज़्यादा चूड़ियाँ पहनना चाहते हो तो आप बीच में कोई से भी कलर की चूड़ियाँ लगा सकते हो, या फिर आप इस कड़े को, ये जो मोती वाली पतली चूड़ियाँ मैंने आपको दिखाई थी, मैंने इसी के साथ पहना था, पतली चूड़ियाँ लगाई थी मैंने इसमें रानी पोशाक के साथ, तो इस तरह से भी पहन सकते हो आप इनको, बहुत सुंदर लगता है ये इस तरह से भी पहनने में, तो ये आप इस तरह से कर सकते हो। बाकी मैं आपको कुंदन की कुछ और चूड़ियाँ दिखाने जा रही हूँ। ये वाली है, ये 300 का पेयर आएगा, कुंदन में है ये भी, ग्रीन मीना आएगा साइड में, 300 का पेयर आएगा, किसी भी तरह से जैसे आपने कोई से भी चूड़ी लेगी तो आप इनके साइड में इस तरह से लगा सकते हो, सेट बना के आप अपने अकॉर्डिंग पहन सकते हो। ये वाली चूड़ी आएगी, 300 का पेयर आएगा, इसमें एक और डिज़ाइन आपको ये वाला मिल जाएगा, बट ये मेरे पास शायद अभी स्टॉक में नहीं है, तो इसके आप ज़्यादा ऑर्डर मत करना, इसके करना क्योंकि इसमें ये वाला स्टॉक मेरे पास अभी अवेलेबल है, ये वाला नहीं है, तो एक दो पीस पड़े होंगे इसमें बस। ठीक है, तो ये कुंदन की कुछ चूड़ियाँ थी,
इनके अलावा एक कुंदन का कड़ा है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ये देख सकते हो आप, ये भी बहुत अच्छा लगता है पहना हुआ। इसको भी आप किसी भी बंगड़ी के पीछे लगा के पहन सकते हो, लाइक इस तरह से पहन सकते हो। और एक बंगड़ी और है मेरे पास, तो उसमें भी लगा के आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। मैं बना के इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। ये देखो, इस तरह से भी पहन सकते हो, आगे जोड़े पहन लो, इनफ है। तो ये कोई सी भी बंगड़ी के साथ आप पहन सकते हो, बहुत सुंदर लगता है पहना हुआ। तो एक ये वाला कड़ा था मेरे पास, और इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, बट ये चीज़ बहुत अच्छी है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी आएगी। ये भी बंगड़ी है, बहुत सुंदर है, 450 प्राइस है इसका, बहुत ही अच्छी लगेगी पहनी हुई। तो आपको थोड़ा सा लगा के दिखाती हूँ कि आप किस तरह से इनको पहन सकते हो। आप इस तरह से भी पहन सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा एक और तरीके से मैं आपको इसको बताती हूँ कि आप इसको किस तरह से पहन सकते हो। ये देखिए, आप इस तरह से भी पहन सकते हो। ये वाली बंगड़ी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये अभी आई है मेरे पास स्टॉक में, तो इसका पिक वगैरह आपको इंस्टाग्राम पे शायद नहीं मिलेगा। तो ये वाली भी बहुत अच्छी लगती है, किसी भी तरह से पहन लो, आपकी मर्जी है। और इस बंगड़ी के साथ एक ये वाली चूड़ी देख सकते हो आप, बहुत सुंदर है, मीना में है ये, और बहुत अच्छी लगती है पहनी हुई। अच्छे से दिख रही है ना वीडियो में, ठीक है। तो ये वाली चूड़ी है, इसके साथ आप इस तरह से पहन सकते हो इसे, बहुत अच्छी लगेगी। ये भी चूड़ी आपको अलग से लगा कर दिखाती हूँ, इसके साथ इस तरह से मोती की चूड़ियाँ लगा सकते हो आप इसमें। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छी लगती है पहनी हुई, बहुत प्यारा सेट लगेगा। तो ये वाली चूड़ियाँ देख सकते हो आप, इसका प्राइस भी आपको साइड में दिख रहा होगा। ये भी बहुत अच्छी है, क्वालिटी A1 आएगी। क्वालिटी के मामले में आप वो मत करना कि क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी या फिर ऐसा, क्वालिटी के मामले में तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्वालिटी सबकी A1 आएगी। एक आप ये कुंदन का कड़ा देख सकते हो, ये पेयर है, 400 का पेयर आएगा। एक्चुअली प्राइजेस याद नहीं रहते क्योंकि इसमें तो बॉक्स में तो सबकी लिखी हुई है, बट ये वाला जो हमने सैंपल पीस निकाल रखे हैं ना, ताकि कस्टमर आए तो हम इसमें दिखा देते हैं, फिर निकालना नहीं पड़ता। तो ये वाला 400 का पेयर आएगा। ये वाली पूरी सोने की चूड़ियाँ हैं, ये थोड़ी महंगी है क्योंकि आप इनको डेली वेयर में पहनो, कैसे भी पहनो, ख़राब नहीं होती, बहुत सुंदर लगती है। मैं आपको इसको एक पहन के दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी लग रही है। सोने से कम नहीं है ये चूड़ी, बहुत अच्छी लगेगी पहनी हुई। और प्राइस इसका रहेगा 400 रुपीज़, क्योंकि ये डेली यूज़ में आप पहन सकते हो इसको, और चूड़ियाँ लगा के साइड में पहन सकते हो, कैसे भी पहन सकते हो, बहुत सुंदर लगती है ये वाली भी। और एक और आपको दिखाती हूँ जो कि डेली यूज़ के अकॉर्डिंग आपके लिए, जैसे आप मतलब ऑफिस वगैरह जाती हैं तो उसके हिसाब से ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए, जॉब करती हैं या फिर यहाँ जयपुर में मतलब अकेले रहते हैं। तो जैसे मैं पहनती हूँ कभी कभी सूट के ऊपर, मैं ये सिंगल चूड़ियाँ पहन के रखती हूँ, तो इस टाइप से ये चूड़ियाँ ले सकती हैं आप। इनका प्राइस भी 400 रहेगा क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ख़राब नहीं होती है बिल्कुल भी। तो इस तरह की चूड़ियाँ देख सकती हैं आप। और इसी में एक और मेरे पास डिज़ाइन है, ये डेली यूज़ के अकॉर्डिंग ही है, आप इनको कैसे भी पहनो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो ये देख सकते हैं आप, इनका प्राइस आई थिंक 350 है, इनका प्राइस 350 रहेगा, उनका 400 रहेगा। तो ये वाली देख सकते हो आप, और ये वाला कड़ा थोड़ा सा महंगा है, बिकॉज एकदम डिफरेंट चीज़ है, रॉयल चीज़ है, आपको कहीं नहीं मिलेगी मार्केट में। तो आप ये देख सकते हो, ये भी बहुत सुंदर है, ये 1000 रुपये का पेयर है, बहुत ही अच्छा है। इसमें कुंदन लगा हुआ है, प्लस एलिफेंट ये बना हुआ है ऊपर, एंड ये थोड़ा सा मतलब वैसे है, ओपन करने वाला है यहाँ पे, ये बंगड़ी टाइप है, मतलब जैसे अपने राजपूती स्टाइल में बंगड़ी आती है, बहुत ही सुंदर लगता है पहना हुआ। तो ये 1000 रुपीज़ का पेयर आएगा, बहुत सुंदर है, ओपन करने वाला है, तो साइज़ का इसमें कोई इश्यू नहीं रहता है, आप कोई सा भी साइज़ ले लो तो आप इजीली इनको पहन सकते हो। बहुत सुंदर लगता है पहना हुआ, देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे तो ये पर्सनली बहुत पसंद है। वैसे मैं दो ही लाई थी अपने लिए, बट फिर भी मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आपको पसंद आएगा तो मैं आपके लिए ला कर दे दूँगी। वैसे ये दो ही लाई थी मैं अपने लिए, एक एक कुंदन के लिए। तो ये कड़ा है, और इसके अलावा कुंदन में मेरे पास एक और सेट मिल जाएगा, ये वाला, ये कुंदन का पेयर है, बहुत सुंदर लगता है, कुंदन की चूड़ियाँ हैं ये भी, मतलब कड़ा ही है, चूड़ियाँ तो नहीं है, ये भी बहुत सुंदर है। प्राइस वगैरह आपको साइड में दिख जाएगा, तो प्राइस मत बोलना। एक ये वाला है, ये भी बहुत सुंदर है, फ्लावर पैटर्न में है, एक इसकी एक चूड़ी पता नहीं कहाँ गायब है, तो वो मुझे मिली नहीं, इसलिए मैं आपको एक ही दिखा रही हूँ। ये भी बहुत सुंदर है, कुंदन में ये भी बहुत अच्छी लगती है पहनी हुई। और इसके अलावा एक मेरे पास ये गोखरू है, जो कि एलिफेंट वाले हैं, एलिफेंट का इसमें वो बना हुआ है, तो ये भी बहुत सुंदर है गोखरू, इनको आप डेली यूज़ में पहन सकते हो, बहुत अच्छा लगता है, ये देखिए। और इसके अलावा कुंदन में है 4 चूड़ियाँ, जो कि बहुत बहुत अच्छी लगती हैं। पेयर बना के दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा कि कैसे पहन सकते हो आप इनको। तो ये देखिए, आप इनको इस तरह से पहन सकते हो, या फिर किसी और चूड़ी के साथ लगा के भी दिखाती हूँ आपको।
ये इस तरह से पहन सकते हो, प्राइस आपको साइड में दिख रहा होगा। जिसको भी ऑर्डर करना हो, जो भी पसंद आ रही हो चूड़ी, आप इस तरह से इनको पहन सकते हो। जो भी पसंद आ रही हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे हो मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बैंगल्स लेनी हो तो ही करना भाई साहब, वैसे कॉल मत करना, बिकॉज मैं अटेंड नहीं करती हूँ कॉल, मेरा ब्रदर अटेंड करता है। तो आप लोग वैसे पर्पज से मत करना कि भाई साहब से बात करनी है, क्योंकि अभी तीन चार दिन मैं थोड़ा सा बिजी रहने वाली हूँ, तो मैं शायद शॉप पे ना मिलूँ। जब मैं शॉप पे होती हूँ तो मैं जरूर बात करती हूँ जो भी कॉल आता है, लेकिन जब मैं शॉप पे नहीं होती तो मेरा भाई बोलता है कि शॉप पे नहीं है। फिर आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं भाई साहब होते हैं शॉप पे, हमसे बात नहीं करते, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। आप व्हाट्सअप कर देना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, तो आप लोग देख लेना। और अगर आपको मेरे बैंगल्स का कलेक्शन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।